हेलो शेट्टी साहब, कैसे हैं आप? हम आपका ऑफिस देखने आए हैं और आपका ऑफिस देखने के लिए मैं अकेला ही नहीं, हमारे साथ में बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट आए हैं। ये सारे एजेंट आपका ऑफिस देखने की इच्छा रखते हैं। तो शेट्टी साहब, आप सबसे पहले हमें क्या दिखाएंगे आपके ऑफिस में? चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये मेरा कैबिन है, आइए आइए। आज का तारीख में टेक्नोलॉजिकली जो भी टोटली इनेबल्ड अब वो इस कैबिन से हो सकता है, यदि 65 इंच का टीवी है, स्मार्ट टीवी है इसके अंदर, प्लस ये कैमरा जो है कि आप यहाँ से जूम कॉल कर सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ खड़ा होकर बात करता हूँ, आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अच्छा, तो एवरीथिंग मतलब टेक्नोलॉजिकली दी बेस्ट पॉसिबल जो किया हुआ है। ये जो ग्लास है, ये देखिए आपको पूरे यहाँ से ट्रांसपेरेंट ग्लास दिखता है, ट्रांसपेरेंट दिखता है। अगर आप ये कैबिन है तो कॉन्फिडेंशियल मीटिंग करना है, आपको डिस्टर्बेंसेस नहीं चाहिए। अच्छा, और बाहर का व्यू आपको नहीं चाहिए, तो ये रिमोट आप इसको बंद कर दीजिए। ये देखिए, ये कम्प्लीटली प्राइवेट हो गया, प्राइवेसी आ गई, आपको बाहर का कुछ नहीं दिखाई देता है, एंड इट्स कम्प्लीटली ब्लर नाउ। It's remotely controlled glass. Fantastic. इंडिया में तो मैंने आज तक नहीं देखा, और आज भी ये ग्लास इंडिया में बनता ही नहीं है। इंडिया में नहीं है, तो इसको इम्पोर्ट किया है। अभी मैं इसको ऑन करता देखिए, ये आपको पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया। जैसे भी आपने देखा शेट्टी साहब का ये जो कैबिन है, ये शेट्टी साहब का माइंड है, यहाँ पर वो सोचते हैं, यहाँ पर उन्होंने पूरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, और व्यू तो माशाल्लाह जबरदस्त। व्यू तो मुझे इस तरीके की व्यू मुझे पहले से पसंद था। अच्छा, और बहुत अच्छा, क्योंकि एक वर्किंग एटमॉस्फेयर में आपको एक थोड़ा सा व्यू मिल जाता है, तो आपको मेंटली भी आपको काफी रिलैक्सेशन मिलता है। बट एज द टाइम प्रोग्रेस, हमारे पास एक अच्छे अच्छे ट्रेनर्स आए, हमारे लाइफ में काफी लोग काफी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया, उन्हें हमेशा यही दिखाते थे, थिंक बिग, एक्ट बिग, डू समथिंग बिग। So, बाकी सारे बड़े बड़े प्रोफेशनल्स, बड़े बड़े लॉयर्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, तो इनका जिस तरीके से ऑफिस होता है वो हमारा भी क्यों नहीं? सही बात। ये कॉन्फ्रेंस रूम, इट इज ए लाइब्रेरी। ओह ग्रेट, क्योंकि यहाँ आप वर्ल्ड का कोई भी बेस्ट बुक का आप नाम लो। अच्छा, मैं आप इसमें से निकल के दे सकता हूँ। फर्स्ट टाइम कहीं देखिए, चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका खड़े और मैं बैठा हूँ, मतलब कर्नाटका का एक हाईएस्ट अवार्ड, राज्योत्सव अवार्ड करके मिला है। okay. ये है, और आप नीचे का देखेंगे, ये मेरा फर्स्ट टीओटी का अवार्ड। okay. कौन से साल की बात है ये? फर्स्ट टीओटी मैं 2004 में किया। 2004 में जी, तो वो फर्स्ट टीओटी का अवार्ड है जो एमडीआरटी प्रेसिडेंट मुझे दे रहे हैं। आज के तारीख में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आपका अगर जूम मीटिंग्स या और कोई भी मीटिंग्स आप अगर इसमें करते हो, दिस इज द मल्टी ऑपरेटिंग टीवी, दिस नॉट ओनली टीवी, ये मल्टी ऑपरेटिंग है। आपको पूरा इसको आप राइटिंग पैड करके यूज कर सकते हो, आप इसमें आपका स्लाइड्स यूज कर सकते हो, आप इसको ऊपर लिख सकते हो, इसको रब कर सकते हो। एक इंश्योरेंस एजेंट को दादर जैसा जगह पे 3,000 square feet कारपेट का ऑफिस, और इस तरीके के ऑफिस, और ये इस ऑफिस में आज का तारीख में एवरीथिंग बेस्ट पॉसिबल, एवरीथिंग बेस्ट अवेलेबल को यूज किया है। सही बात, और फ्यूचर को भी ध्यान में रखते हुए इसको यूज किया हुआ है। सो इससे बड़ा मोटिवेशन और क्या हो सकता है? आप अगर इतना बड़ा ऑफिस दादर एरिया में इस तरीके से बनाते, इसमें कितना पैसा लग गया होगा, वो तो उसका तो अंदाजा आ ही गया होगा। करेक्ट, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है? दिस नथिंग बट ए सक्सेस। आप इससे सक्सेस, मतलब इससे और होना चाहिए, बट यहाँ तक भी अगर आ गए, समथिंग वेरी बिग इन लाइफ। करेक्ट करेक्ट। सो ये मोटिवेशन हर किसी को आना चाहिए, हर कोई मोटिवेट होना ही चाहिए। नहीं, शेट्टी साहब एक टिप देंगे आप? हाँ, एक टिप देंगे। बहुत सारे एजेंट्स आपको देख रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं आपसे, कैसे पहुँच सकते हैं ये जर्नी यहाँ तक, ये जो सफर है कैसे पॉसिबल हो सकता है इतना लंबा? क्योंकि एक बात को किसी को बहुत सीरियसली ये सोचना चाहिए कि आप इस बिजनेस में हो क्या, आप सीरियसली इस बिजनेस में हो, अब इस बिजनेस को लेके कितना सीरियस है, इस बिजनेस को लेके आपका फेथ कितना है, इस बिजनेस को लेके आपका कॉन्फिडेंस कितना है, इस बिजनेस को लेके आपका मेहनत कितना है। अगर इसमें कोई चीज का कमी होगा तो आपको हर चीज कमी होगी। अगर आपको फेथ, कॉन्फिडेंस, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, कमिटमेंट अगर इस बिजनेस को लेके है, हर किसी का साथ है, हर कोई ये चीज कर सकता है। शेट्टी साहब, इतना सुंदर आपने ऑफिस बनाया है, आपके इस ऑफिस पे आपकी सबसे फेवरेट प्लेस क्या है? कौन सा एरिया आपका सबसे मनपसंद है? मेरा रिसेप्शन एरिया।
कोई एक लास्ट सेंटेंस आप बोलना चाहेंगे, हमारे एजेंट्स आपको देख रहे हैं, कोई एक लास्ट सेंटेंस? दोस्तों आपके लिए एक संदेश सिर्फ ये है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मैंने 30 साल निकाले, 30-30 साल में सिर्फ जिस दिन भी मैंने सीरियस हो गया इस बिजनेस को लेकर और मैंने अपने आप को बोला मुझे ये चीज चाहिए और मुझे नहीं मिला, ऐसा नहीं, वो मैंने बंगला मांगा होगा, इतने बड़ा दादर में इस तरीके की बिल्डिंग में एक ऑफिस मांगा होगा, अपने आप के लिए एक मर्सिडीज गाड़ी मांगा होगा, एक 3-4 स्टार लेवल के एक होटल बनाने का मांगा होगा, जो कुछ भी मैंने अपना आपको मांगा है वो इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में दिया। वो एक कहावत है, इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री या इंश्योरेंस के एक बिजनेस बोलते रहे वो समुन्दर की तरफ, सिर्फ सवाल इतना है कि आप जब वो समुन्दर में जाके पानी कितना निकलना चाहते, आप जितना चाहते उतना पानी मिल जाए, सवाल सिर्फ इतना है। अगर आप वहां जाते टाइम छोटा सा एक लोटा लेके जाते हो तो आपको एक लोटा भर पानी मिल जाता है, आप अगर एक मग लेके जाके बोलते हो मैं मग भर पानी लाऊंगा तो आपको एक मग पानी मिलेगा, आप बाल्टी लेके जाओगे तो बाल्टी भर के पानी लाओगे, आप टैंकर लेके गए तो टैंकर भर के पानी लाओगे, सवाल कितना है, आपको चाहिए कितना और मांगते क्या हो, और उसका पीछे उसका प्रिपरेशन। इंश्योरेंस बिजनेस हेलो, आप जो मांगो वो दे सकते हैं। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।